जी, मैं इसका जवाब क्यों दूं? जी सुधांशु, सुधांशु त्रिवेदी, जब हम सवाल पूछते हैं कि राजनीति का केंद्र बिंदु हिंदू, तो क्या मायने हैं इसके? देखिए, अगर आपसे पूछें कि इस दुनिया में एक देश बताइए जिस पर इस धरती पे पाए जाने वाले सारे रिलीजन पाए जाते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। इसलिए कि भारत हिंदू बाहुल्य था, इसलिए भारत की एकात्मता, संस्कृति ही, राजनीति ही नहीं, सब कुछ का केंद्र बिंदु हिंदू था। मगर अफसोस कि स्वतंत्रता के बाद ऐसी राजनीति चली कि शरिया के तमाम प्रावधान संविधान के हिस्से कर दिए गए। तो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 2014 से पहले स्थिति यह थी कि भारत आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था, और अब बदलाव की वो बयार आई है कि आपने देखा कि ममता बनर्जी चंडी पाठ करती हैं, प्रियंका गांधी जी देवी स्तुति करती हैं, अपने अरविंद केजरीवाल जी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, राहुल गांधी जी कुर्ते के ऊपर जनेऊ दिखाते हैं, अपना गोत्र बताते हैं, ममता बनर्जी अपना गोत्र बताने लगी हैं। और क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी केदार में दिख रहे हैं, दीपावली जगमग हो रही है। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, था तो केंद्र बिंदु हमेशा से, पर हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति भूला हुआ था, आज शक्ति याद आई। तो एक पंक्ति कहूंगा, अरुण गगन पर महा प्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। चलिए, तो क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान सोया? एक टिकट, सुधांशु त्रिवेदी, इन्होंने सही बात कही, रोजा अवतार में ना पहले प्रॉब्लम थी ना अब प्रॉब्लम है। पर पहले प्रॉब्लम यह थी कि जो रोजा रखता नहीं था वही रोजा अवतारी करता था। ऐसी पार्टी होती थी कि ना बुलाने वाला रोजा अवतार रोजेदार, ना आने वाला रोजा अवतार। सुन लीजिए, सुनिए, दिवाली तो हमारी भी नहीं थी लेकिन पटाखे हम भी फोड़ते थे। देखिए, जैसे हमारे यहाँ दिवाली हमारा त्योहार नहीं है लेकिन हमने माना कि हाँ हमारा भी त्योहार है, हमने भी पटाखे फोड़े। अब मेरी पूरी बात देखिए, हमारे यहाँ व्रत होता है, तो व्रत के बाद व्रत का उद्यापन होता है शाम को। अब कोई व्रत ना रखे, व्रत का उद्यापन करे तो धर्म का मजाक हो गया ना। तो जो रोजा अफतारी होती थी, जो रोजेदार नहीं, वो जब रोजा अफतार करता था, तो ये तो मैं मानता हूं कि एक प्रकार का मजाक था। मगर मैं तो फिर भी ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने रोजा अफतार बंद कर दिया है, अब अरविंद केजरीवाल रोजा अफतार नहीं देते हैं, और जो अब उत्तर प्रदेश के नए नेता है जो पहले सफेद वाली टोपी पहन के बैठते थे, अब वो ललकी टोपी पहन के बैठते हैं, वो रोजा अफतार बंद कर दिए हैं। आज भी राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, हमें नहीं, हम राहुल जी ने ट्वीट किया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि त्रिपुरा के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया राहुल जी ने अपने ट्वीट पे। अरे भाई, आज भी वो सच्चाई के साथ खड़े हैं, वो हटे नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि राहुल गांधी की विचारधारा और गांधी की नेदू की विचारधारा जब तक देश में जीवित है तब तक इस देश का हिंदू और मुसलमान दोनों सुरक्षित है, अन्यथा दोनों जो है मुस्लिम लीग और जिन्ना जिन्ना और ये बहुत अच्छा याद दिला दिया, दोनों एक साथ ही हैं। नहीं, बहुत अच्छा याद दिया इन्होंने, नियो बिलो ने बोला नियो हिंदू कौन है? वो है शिवसेना जो उस कांग्रेस साथ गठबंधन में है जो केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में है, यह है नियो हिंदू। अब सुनिए, उस कांग्रेस के साथ जो बंगाल में पीर जादा अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशे के सदस्य में है, वो है नया हिंदू। और सुनिए, जो बदरुद्दीन अजमल की नहीं, न्यू हिंदू है, हमने नए हिंदू की परिभाषा दिया, गजब का नया हिंदू है, जो सुनिए, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे वालों के साथ खड़ा हुआ है, जो ये कहता जो इसरत जहां बेटी है, जाकिर नायक शांति का मसीहा है, हाफिज साहब है, ओसामा जी है, बुरहान वानी भट्ट का जवान है, इसके साथ खड़ा हुआ भगवाधारी है, वो नया हिंदू है, इसलिए हमको सबको पता है। क्या? अरे जनाब, आप बात करने की बात करते हैं, शांति के मसीहा है ये बताइए, नहीं है ना? क्या आतंकवादी है? अच्छा, ये बताइए आप साफ, अच्छा मैं कहता हूँ हाफिज सईद आतंकवादी, ठीक है? तो आप कहिए ना, हाफिज को साहब किसने बोला? हमने, मैंने कहा हाफिज सईद आतंकवादी, तो पहले कहिए गोड से आतंकवादी, आप ये बोलिए, आप पहले बोलिए हाफिज को साहब बोलने वाला आतंकवाद का समर्थक, 1-1, एक को आतंकवादी मैं बोलूंगा, एक को आप, हाँ बिल्कुल, आप बताइए, बोलिए गोड से का आतंकवादी। अब मैं आपको बात बताता हूँ, अरे सुनिए ना, आप गोड किस बात के लिए आतंकवादी? क्यों नहीं, गांधी जी की हत्या के लिए ना, गांधी क्या थे? अब सुनिए, गांधी क्या थे? गांधी एक आदमी नहीं थे, अब मैं आ रहा हूँ, गांधी राष्ट्रपिता थे, गांधी एक साधारण आदमी नहीं थे, और वो राष्ट्रपिता क्यों थे? उनकी समाधि पे क्या लिखा? हे राम, जिस दिन आपने लिखा कि राम थे ही नहीं, उस दिन गांधी की आत्मा की हत्या हुई, बोलिए, गांधी की आत्मा का हत्या करने वाला आदमी बड़ा या शरीर को मारने वाला बड़ा? बोलिए,
को मानने वाले को मारता है। आप कहिए आतंकवादी, आप कहिए आत्मा का हत्यारा आतंकवादी यानी गांधी परिवार आतंकवादी। मैं कहता हूँ गोडसे आतंकवादी का हत्यारा अगर गोडसे है, बोल दिया गोडसे आतंकवादी नहीं, बोला तो सही गोडसे आतंकवादी। आप कहो कि राष्ट्र की आत्मा का हत्यारा गांधी परिवार आतंकवादी, मैं कहता हूँ शरीर का हत्यारा गोडसे आतंकवादी। बोलिए है ना, बोलिए। एक सेकंड, एक सेकंड। हत्यारा गांधी परिवार आतंकवादी, बोलिए। अरे राष्ट्रपिता वो अपने विचार से आपने हिंदू धर्म को छोटा किया। आप देखिए 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 देखिए, नहीं सुनिए सुनिए, सुधांशु का इन्होंने अच्छा आप नहीं ठीक है। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने नहीं कहा हिंदू सांप्रदायिक करे, हिंदू सांप्रदायिक होता कहते कोई बात नहीं। उन्होंने कहा हिंदू आतंकवादी है, और आज तक विकिलीक्स की उस बात को मैं सत्य नहीं मानता, पर आज तक खंडन नहीं किया राहुल गांधी ने आके कि मैंने ऐसा नहीं बोला था, क्योंकि उन्हें डर हो सकता है कि वो टेप भी हो सकता है उनके पास जहां पर उन्होंने बोला हो। और मैं आपको बात बता रहा हूं क्यों हमने कहा। आपको पता है कि केरल का मल्लापुरम जिला चूंकि मुस्लिम बाहुल्य हो गया, तो वहां की जिला परिषद ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि चूंकि हम मुस्लिम बाहुल्य हो गए हैं तो लड़कियों की शादी की उम्र 18 से घटा के जो भारत के संविधान के अनुसार है 16 कर दी जाए। और मई 2014 में केरल की कांग्रेस सरकार ने प्रस्ताव पास कर दिया, हां कर दी जाए। ये क्या है भाई, ये जनेऊधारी हिंदू की बात है। अब दूसरी बात सुनिए अभी मान्यवर, सुनिए अरे बात तो सुनिए मान्यवर। जब भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि एक महिला को केवल 100-120 रुपया मुआवजा देना पड़ेगा तलाक के बाद, सुनिए एक सेकंड, देखिए 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 देखिए, अरे भाई मैं तो बात तो कह रहा हूं ना, आपने प्रस्ताव पारित कर दिया। और सुनिए अभी की बात है, कोलतार जिला पेरम्बटूर गांव में वहां के मुस्लिमों ने कहा कि हम 70% हो गए। आपका जवाब देंगे, एक सेकंड क्या तरीका बहस। अरे भाई आज एक सेकंड, अब चलिए मैं आपको माइक दूंगा, तब आप सवाल पूछिए। अच्छा चलिए मैं इनकी बात का जवाब, एक सेकंड सवाल पहले लेते हैं। सुनिए सुनिए माफ सवाल, मेरा नाम फजील अहमद है। हां बोलिए बोलिए। एक तो बहुत बहुत बधाई आपको, इस 14 के बाद सबसे बड़ी उपलब्धि आप ये मानते हैं कि हम अफ्तार पार्टी नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। हम नहीं कर रहे भैया, जो कर रहे हैं उनसे पूछो ना, ये क्यों नहीं कर रहे हैं। हम करते अपने घर में, ये क्यों नहीं कर रहे हैं। हम दिवाली भी कर रहे हैं और अवतार भी कर रहे हैं, उनसे पूछिए। और दूसरी बात, मतलब अमित जी आपने कहा 2014 से पहले कुंभ मेला नहीं लगता था। लगता था तो किसके पैसे से लगता था, सरकार के पैसे से ना, तो इसमें दिक्कत कहाँ है, कब दिक्कत है, किस सरकार ने कुंभ मेला नहीं लगवाया। सुनिए एक मिनट, कोई सरकार के पैसे से नहीं लगता था, सरकार केवल सुरक्षा व्यवस्था करती थी। कहते हैं आजम खान पर आरोप लगाते हैं कि कुंभ के पैसे, आजम खान को बचाने आए क्या? अरे सर हम आजम खान, अरे बैठिए ना, आजम खान की बात नहीं हो रही है। आजम खान कर दिया, अब मुख्तार अरे आजम खान, आजम खान को बचाना है तो कोर्ट में जाइए। अरे एक सेकंड बैठिए, मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, एक मिनट बात नहीं हो पाई, एक मिनट आपने, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, कुंभ मेला कोई सरकारी पैसे से नहीं होता था, जहाँ गैदरिंग होती है, अरे भाई बात तो सुनेंगे, आप लगातार बोलते रहेंगे, जहां पर गैदरिंग होती है सरकार सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए वहां पर सारी व्यवस्था करती है, अपोजिशन की पार्टी की रैली होती तो भी होती थी, और जितने मुस्लिम त्यौहार होते हैं सबसे ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था वहां होती है, वो पैसा कौन खर्च होता है अमीश, मुझे हिंदू त्यौहारों पर तो नहीं होती थी। दूसरी बात, एक मिनट, अरे भाई आप बताइए, कुंभ मेला हमें गर्व है, हमें गर्व है कि सरकार इतना बड़ा आयोजन करती है, और आपको मोहम्मद साहब आपने सवाल पूछ लिया, आपने सवाल पूछ लिया, अब आपने सवाल पूछ लिया। एक मिनट, एक बात, ठीक है, मैं शांति से बात कर देता हूँ। इस देश में सर्वोच्च न्यायालय एक आदेश पारित करता है कि एक तलाकशुदा महिला को 100 या 120 रुपया महीना मुआवजा देना पड़ेगा, भारत की संसद कहती है कि हम इसको न्यायालय का निर्णय पलट देंगे, क्यों? वो आधार ये बनाती है कि मजहबी मामला है, मजहबी मामला यकीन पे तय होगा, उसमें न्यायालय को इतना भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। शाबानो केस 1986, ठीक, और अगले साल 1987 में क्या कहती है वही सरकार, वही कांग्रेस सरकार, कि भगवान राम कहां पैदा हुए अदालत पर सिद्ध करो, यानी एक मजहबी मामले के लिए ये पैरामीटर, दूसरे का ये, बोलिए किसी ने विरोध किया? ठीक है, किसी ने विरोध किया? अच्छा ठीक है, संविधान के अनुरूप ना चल के धार्मिक किताब के हिसाब से चलिए। ठीक है अब मैडम आपकी पॉइंट, मतलब ये है कि केंद्र में भाजपा की सरकार और उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की सरकार आई है उससे हिंदू संगठित हो गया। अब यही बात इन सबके गले नहीं उतर रही है। किसके गले नहीं उतर रही है? विरोधी पार्टियों के जी, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो सपा वाले, अब ये सारे हिंदू हिंदू करके घूम रहे हैं। जो पहले इफ्तार पार्टियां करते थे वो आज मंदिरों में जाके दिए चाश रहे हैं। कब आप हिंदू हो गए भाई? पहले क्यों नहीं हिंदू थे? अगर हिंदू थे तो पहले भी तो होना चाहिए था ना।
अब अचानक आप हिंदू कैसे बन गए मुझे बताइए बस। ठीक है दीपावली एक बात के आमी शमी से एक बात शांत जी इन्होंने कहा था दीपावली फिजूल खर्ची है। मैं बताता हूं दीपावली करना क्यों आवश्यक है। दुनिया का इतिहास भरा पड़ा उस उदाहरण से, भाई भाई को मारकर गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा। दिवाली उसका प्रतीक है कि 14 वर्ष तक जब भाई गया जंगल में तो दूसरा भाई खड़ाऊं रख के शासन किया और थाली में खड़ाऊं लेके उसका स्वागत करने को तैयार खड़ा था। वो आदर्श है जो दुनिया के सामने होना चाहिए, ना कि वो कि चार भाई एक वो भी थे जिसमें सुजा मुराद और दारा के रूप में औरंगजेब ने चार का कत्ल किया और अपने सगे बड़े भाई का सर काट के थाली में अपने बाप के पास भेजा था। आप बताइए आप अपने घर में क्या चाहते हैं, भाई का कटा हुआ सर थाली में या भाई के हाथ में रखी हुई पादुका। इसलिए मानव मूल्य के श्रेष्ठतम मूल्यों का आदर्श, इसलिए दीपावली मनाया जाना जरूरी है। जी, आपके दीपोत्सव मनाने का किसी मुस्लिम संगठन ने विरोध किया क्या? देखिए मैं ये लाइव जारी है डिबेट, किसने मेरा निवेदन है लाइव जारी है, एक एक करके सब बोले, खर्ची सब बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं या वो बोल रहे हैं? मैं बोलता हूँ, शोएब जो भाई बोल रहे हैं, मैं सिर्फ एक पर्टिनेंट सवाल है उसको बोले, शोएब जो भाई, इस देश में दीपोत्सव मना गया भारत सरकार के पैसे से, उत्तर प्रदेश सरकार के पैसे से, बहुत अच्छी बात। किसी मुस्लिम संगठन ने मुखर होकर के कोई विरोध दर्ज कराया और कहा कि गलत नहीं कहा? यही तो बदलाव है, यही बदलाव नहीं, ये भारत यही बदलाव है, यही बदलाव है, यही बदलाव है, सुन लीजिए, अरे यही बदलाव है, बदलाव क्या है? एक दिया तक नहीं जला रहे थे कि जो सावरकर जिन्ना के साथ बैठ करके टू नेशन थ्योरी बना रहे थे, जला रहे होते हैं, सावरकर वीर हो गए, वो जो आम आदमी पार्टी वाला कहता था कि वहां पे शौचालय बना दो, विद्यालय बना दो, दिल्ली में मंदिर बनवा रहा है, दिल्ली में मंदिर बनवा रहा है वो, जी जी सर, दिल्ली में मंदिर बनवा रहा है, जो अयोध्या में बनवाने को तैयार नहीं थे, वो जिंदा चनवाया, उसकी यहाँ पर प्रशंसा हो रही है और मैं स्वीकार कर लूं उसके नाम पर दिल्ली में रोड बनता और कोई विरोध नहीं करता? महात्मा आदर्श बताया जा रहा है, आदर्श बताया जा रहा है उसको, और ये हम लोगों के लिए बात है कि हमने इतने दिनों तक औरंगजेब रोड नाम रखा यहाँ पर, उसी गुरु के मानने वाले गुरुदेव के किसानों को गोली मरवा देते हो, आज भी मैं कहता हूँ गुरुदेव बहादुर जी का शीश उतारने वाला, उसी पंजाबी किसानों को गोली मरवा देते हो, उसी पंजाबी किसान है आतंकवादी कहते हो, गुरुदेव बहादुर जी हिपोक्रेसी, गुरुदेव बहादुर जी का शीश उतारने वाला, गुरुदेव बहादुर के अनुयायी पंजाब के किसान है, गुरुदेव जी का शीश उतारने वाला कहा, मैं कहता हूँ ऊधम सिंह ने, ऊधम सिंह ने जनरल डायर को वहां जाके मारा था, वो पंजाब के किसान है जो कभी भूलती नहीं है, ये वो काम है जो कभी भूलती नहीं है, अपने ऊपर अत्याचार करने वालों को कभी भूलती नहीं है। मेरा 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 निवेदन स्वीकार करिए, लाइव चल रही है व्यूअर्स, देखिए आप अपनी बात अपने समय पे अपनी बात को रखिए, सुधांशु त्रिवेदी और आचार्य जी के पास आ रहे हो, सुधांशु त्रिवेदी आप बात करते हैं, आप अपनी बात को रखिए। देखिए इन्होंने जो बात कही, पहली बात भाई गोली किसको मारी गई और आतंकवादी किसने कहा? हमने कहा नहीं, कांग्रेस के सांसद रणवीर सिंह बट्टू ने कहा, बिट्टू ने कहा, और जो कि शहीद, अरे उन्होंने कहा रणवीर सिंह बिट्टू ने कहा, जी नहीं रणवीर सिंह बिट्टू कांग्रेस के सांसद, सबसे पहले उन्होंने कहा, जो उन्होंने कहा, अब विषयांतर में होते हैं, और किसको गोली मारी गई ना बताइए, किसको गोली मारी गई, गोली किसको मारी गई, गोली गोली पे चिल्ला रहे हैं, अब सुनिए, अब आइए विषय पे आ रहे हैं, पॉइंट पॉइंट देखिए व्यूअर्स, व्यूअर्स जो इस समय हमें देख रहे हैं लखीमपुर में किसको विषय पे आ रहा है, बाड़िया चढ़वा दिया आपने, सुधांशु जी ये बताइए लखीमपुर में कौन मरा भाई साहब, मारा एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, वही गुरु तेग बहादुर के मानने वाले लोग हैं, हो चुकी है किसानों पे बहस हो चुकी है, आज जिस विषय पे उस पे हम रहते हैं, आज लोग पेट्रोल डीजल पे भी डिबेट नहीं करना चाहते, कारण सबको पता है, बढ़ते हैं आगे, बोलिए सुधांशु, देखिए जो इन्होंने बात कही अविनिजेश जी ने, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, तमाम इतिहास की किताबों में जब हमने औरंगजेब का नाम बदलने कोशिश की, कौन सा विधायक आया था छाती पीटने के लिए, कांग्रेस पार्टी का विधायक आया था ना कि हम बदलने नहीं देंगे, और किसके नाम पे, डॉक्टर कलाम, अरे कोई कंपैरिजन है औरंगजेब और डॉक्टर कलाम का, इसके बावजूद वो कौन सी मनोवृत्ति थी जो इसको बढ़ाती थी, खैर अब उसको छोड़िए, अब इसके ऊपर आइए, देखिए मैं जो कहना चाहता हूं, ये जो सकारात्मकता दिखाई पड़ रही है ना, बस वही लोगों को बहुत खटक रही है, चलिए हमारा उनका तो छोड़िए, आप ये बताइए कि मुसलमानों के जितने फिरके हैं वो सारे के सारे फिरके कौन सा एक देश है जहां है, सिर्फ भारत में, एक देश बताइए भारत के अलावा जहां मुसलमान आपस में न लड़ रहे हो, शिया मस्जिद पे इनका हमला, इनके खिलाफ उनका फतवा, अहमदिया के खिलाफ उनका फतवा, अहले हदीस के खिलाफ उनका फतवा, सिर्फ भारत में शांति से रह रहे हैं, और ये सुन लीजिए मैं जवाब दे रहा हूं, क्या तरीका है बिल्कुल बीच में, हाँ मैं बता रहा हूँ, और ये बात कहने वाला मैं नहीं हूँ, अब सुनिए जरा, क्या 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 क्
हम लोग चार भाई हैं, चार भाई का बंटवारा हम करें तो पड़ोसियों को क्या तकलीफ है भाई? आपका घर नहीं, आपका आपका सऊदी अरब से क्या मतलब? आपका सऊदी अरब से क्या मतलब? आपका सऊदी अरब से क्या मतलब? क्या बोल रहे हैं आपका सऊदी अरब? वो आपका घर कैसे? हिंदुस्तान में रह रहे, हिंदुस्तान का खा रहे, तो बाहर के मुल्क से आपका कैसे बंटवारा होगा? अरे बाहर आपका क्या मतलब? आपका क्या मतलब? आपका क्या मतलब? एक मिनट, एक बात मैं कह दूं, आज इतना बुरा लग रहा है कि बाहर का मुल्क हमारे घर का नहीं, अगर आप हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान के हैं तो बाहर के मुल्क से आपका कोई लेना देना नहीं है। हम तो कांग्रेस के जमाने से भी देखते हैं। अरे भाई एक मिनट बैठिए, बैठिए, एक सेकंड देखिए, मुझे ब्रेक लेना पड़ जाएगा, ऑडियंस अगर इस तरह से होगी, लेकिन देखिए शोएब जमाई ऑडियो ऐसे नहीं जा रहा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो रही है, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे डिबेट में एक सेकंड सर आपके विचार को सुना, अब आप शांति से बैठिए, आपके विचार को सुना, मुझे ब्रेक को रोकना, मुझे डिबेट को यार रोकना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। लेकिन आपने एक विषय को आपने बोला, और आपने जो बोला उस पर मुझे एक बारी सोचना पड़ेगा, और मैं इसलिए सोच रहा हूं इस बात के ऊपर कि क्या वाकई ये सही कहा आपने बोला कि हमारे घर में अगर कुछ हो रहा है तो किसी का क्या जाता है? आपका घर तो हिंदुस्तान है, आपका आपको क्या मतलब सीरिया से? आपको क्या मतलब तालिबान से? आपको क्या मतलब सऊदी अरब से? आपकी मिट्टी तो यहां है, आपका घर वहां कैसे हो सकता है? आपका घर वहां कैसे हो सकता है? मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, लेकिन ये गलत आपने बोला, ये गलत बोला, आपके मन में ही भी कैसे बात आई? ये आपका, ये वो आपका घर है और ये आपका घर नहीं है? आप सीरिया को अपना घर मानते हैं? देना आपने बोला, ये आपने यही बोला। सुधांशु एक लाइन में बोलता हूँ, अब सुनिए, अब शांति से देखिए, ये वाक्य मेरा नहीं है, मैं एक पूरा वाक्य पढ़ रहा हूँ, इसके बाद में बताऊंगा ये बोला किसने। ये बोला गया है कि मुस्लिम्स इन इंडिया आर लकीएस्ट। क्यों? जिस आदमी ने कहा, उसने कहा मैं 26 साल दिल्ली में रहा और मैं निजामुद्दीन एरिया में रहा, एक तरफ निजामुद्दीन औलिया, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी और दूसरी तरफ तबलीगी जमात का ऑफिस था। उसने कहा है कि दुनिया का कोई दूसरा मुस्लिम देश होता तो 26 साल साथ नहीं रह सकते थे, कोई एक दूसरे खत्म जरूर कर देता। भारत के मुसलमान इसलिए लकी है कि अपने मजहब में जैसे चाहे इबादत कर सकते हैं। ये किसने कहा है? ये कहा है मार्क टेली ने, जो कि भारत में 30 साल रहने वाला सबसे बड़ा दुनिया का एक जर्नलिस्ट था बीबीसी का। और कब कहा है? 22 सितंबर 2019 को द इक्वेटर मैगजीन में। मुझे एक सेकंड आचार्य जी, 40 सेकंड। देखिए ये आप गलत कर रहे हैं सर, आप गलत कर रहे हैं, आप शांत होइए, मुझे ब्रेक के लिए